हे गाइस, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ योगेंद्र और स्वागत है आपका इसके राइडर ब्लॉग में। तो आज की सफर की शुरुआत जो है बरेली के इज्जत नगर रेलवे स्टेशन से हो रही है। आप चाहें तो आप इसकी शुरुआत बरेली सिटी जंक्शन से भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी। तो हम बरेली से शुरुआत करेंगे नैनीताल तक के सफ़र की। तो यहाँ से हमें इज्जत नगर रेलवे स्टेशन से टिकट लेना है लाल कुआं तक, जो कि 45 रुपीज़ का आपको मिलेगा। तो चलिए टिकट लेते हैं फटाफट। अगर आप इतनी भीड़ में बैठना नहीं चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप बरेली सिटी से ये ट्रेन पकड़िए सुबह 5:30 बजे। अगर आप इस भीड़ का आनंद लेना चाहते हैं तो आप इज्जत नगर सुबह 6:10 से पहले पहुंच जाइए और ये ट्रेन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसका टिकट फाइनली हम लोगों ने ले लिया है, जो कि 45 रुपीज़ का है लाल कुआं तक। और ये ट्रेन जो है आपको लाल कुआं तक ही पकड़नी है अगर नैनीताल आ रहे हैं तो। फाइनली अपनी ट्रेन आ चुकी है, आप देख सकते हैं, और सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इतनी भीड़ में बड़ी मशक्क़त करने के बाद फिलहाल मुझे सीट मिल जाती है और ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा है, देख रहे हैं, भरमार है सवारियों की। और ये देखिए भाई कैसे गेट पे खड़े हुए, बहुत ही रिस्की है। फिलहाल अपनी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है और थोड़ी देर में ये भाई आ जाते हैं अपनी चना गरम मसाला नमकीन लेकर। दोस्तों, मैं 2 घंटे का सफ़र करने के बाद मैं पहुंच गया हूँ लाल कुआं रेलवे स्टेशन। स्टेशन से बाहर जाने के लिए वो आप ब्रिज भी क्रॉस करके जा सकते हैं, उधर से आपको मिल जाएंगे ऑटो, या फिर आप ये शॉर्टकट अपना सकते हैं, यहाँ से निकल के हल्द्वानी के लिए आप ऑटो पकड़ सकते हैं। तो चलिए हम शॉर्टकट अपनाते हैं, यहीं से निकल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है बहुत ऊँचा है, मशक्कत करके निकल के जाना पड़ेगा। तो एक शॉर्टकट और अपना सकते हैं, सीधे रोड पर पहुँच जाएंगे ये अंकल जी की तरह। फिलहाल ये शॉर्टकट हमें नहीं अपनाना, सर नहीं फोड़ना है भैया। भैया मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है, इंजॉय करने जा रहा हूँ, सर फोड़ने नहीं जा रहा। तो चलो आराम आराम से निकलते हैं यहाँ से। तो ये रहा हमारा रास्ता और यहाँ से हम निकलते हैं और लाल कुआं, यहाँ आपको टिकट भी मिल जाते हैं देखो। तो भाई मैं पहुँच गया हूँ स्टेशन के बाहर और यहाँ रोड पर आपको मिल जाएंगे ऑटो। ये देखो बहुत सारे ऑटो लगे हुए हैं मेरे पीछे, यहाँ से आप हल्द्वानी का ऑटो पकड़िए और सीधे पहुँच जाइए। तो चलो फिलहाल मैं इस ऑटो में बैठा हूँ, हल्द्वानी हाँ ओके बैठ जाए ओके। इस तरीके से आपको ऑटो मिल जाएंगे यहाँ से हल्द्वानी के लिए, बहुत सारे लोग आपको चिल्ला चिल्ला के उठाएंगे हल्द्वानी बनाओ। तो ज़्यादा नया नहीं है, किसी नया है यहाँ से। मैं पहुंच गया हूं हल्द्वानी और यहां से आप जो छोटे वाले ऑटो हैं वो पकड़ सकते हैं, आपको छोड़ देंगे रोडवेज यानी कि बस स्टेशन, वहाँ यहाँ से वहाँ तक लेंगे आपसे 10 रुपये मात्र। घर से लेके यहाँ तक अभी मेरा 95 रुपया खर्च हो चुका है और 95 रुपये में मैं यहाँ आराम से पहुँच गया हूँ। चलो बची थी लस्सी पीने की, तो फिलहाल मैं अभी लस्सी पीने आ गया हूँ, तो लस्सी पीते हैं उसके बाद निकलता हूँ। बन रही है भाई यह लस्सी अभी। तो लस्सी पी के आ गया, अगर आप भी पीना चाहते हैं तो आप इस गली में आ सकते हैं लस्सी पीने। ये है मटर गली, बिल्कुल रोड बेस से लगी हुई है और आप यहाँ पर कपड़े भी खरीद सकते हैं। तो बस हम पहुँच चुके हैं रोडवेज हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन, हमें नैनीताल की बस मिलेगी वो वहाँ से। आप रोडवेज से भी आ सकते हैं, बरेली रोडवेज से आप ये बस पकड़ सकते हैं और सीधे आप यहाँ उतर सकते हैं। इसका किराया है 167 रुपये बरेली से लेके हल्द्वानी तक। नैनीताल की बस जो है ये पतंजलि का जो बोर्ड लगा है उसके जस्ट नीचे लगती है। ये फिलहाल भर चुकी है और निकल रही है, इसमें सीट बिल्कुल भी नहीं है, जगह भी नहीं है। फिलहाल ये बस भर गई है, दूसरी बस का इंतजार करना पड़ेगा, लगभग 15 से 20 मिनट में दूसरी बस लग जाएगी। यहाँ ज़्यादा इंतजार करना नहीं पड़ता है, भीड़ भाड़ थोड़ी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन में थोड़ी कम होती है,
सीजन में थोड़ी ज़्यादा होती है, मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा ही होती है क्योंकि कुछ लोग अप डाउन करते हैं यहाँ से नैनीताल के लिए, ऑफिस वगैरह स्कूल वगैरह आते जाते हैं, तो इसलिए मॉर्निंग में भीड़ मिलती है। तब तक सोचो कर लूँ, उसके बाद बस का इंतजार करते हैं। यहाँ से आपको लखनऊ, दिल्ली, मुरादाबाद, देहरादून, हर जगह की लगभग लगभग बसें मिल ही जाती हैं। काफ़ी बड़ा रोडवेज है और ठीक ठाक है, मतलब इतना बुरा भी नहीं है और ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ता है, टाइम टाइम पे बस मिलती रहती है। अगर आपको सब्र नहीं है और आप इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टैक्सी भी पकड़ सकते हैं। टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा लेते हैं, 150, 200, 250, 300, जैसा मुर्गा फंस जाए वैसा पैसा ले लेते हैं। हाँ, थोड़ा जब भीड़ होती है तो इस तरीके से आपको धक्का मुक्की करनी पड़ सकती है। फिलहाल सबसे अच्छा सलूशन है कि अपना बैग पहले ही सीट पे रख दो, रिजर्व, ठीक है। ये थोड़ा माइंड गेम खेलना पड़ता है, बस हो गया, अभी सीट रिजर्व है, कोई टच नहीं करने वाला। भाई बहुत भीड़ है, थोड़ा भीड़ का सामना करना पड़ सकता है भाई, पर कोई नहीं, थोड़ा सब्र करें, आराम से चढ़ें, थोड़ा माइंड गेम खेल लें, बढ़िया है। अभी बैठ गया हूँ भाई सीट तो अपनी रिजर्व थी पहले ही। तो फिलहाल हम पहुँच गए हैं उत्तराखंड परिवहन निगम स्टेशन नैनीताल। मैं पहुँच गया हूँ नैनीताल बस स्टेशन पर, उतर गया हूँ। चलो बस थोड़ा सा चढ़ना है और फिर दिखाता हूँ आपको यहाँ के नज़ारे। सभी के सफ़र की शुरुआत बस यहीं से होती है, लेक व्यू से। यहाँ पर आप लेक व्यू का आनंद ले सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पर ये प्यारी सी मछलियों को देख सकते हैं और आप बोटिंग भी कर सकते हैं। नाव मेरे पीछे चल रही हैं बहुत सारी, यहाँ पर सामने मिल जाएगी जो खुद चलाते हैं और साथ में आपको पैडल बोट भी मिल जाएगी जिसे आप खुद भी चला सकते हैं। ये रहा बोटिंग का किराया, पूरा चक्कर 240, आधा चक्कर 320, और ये रहेगी बोट जो ये लोग खुद चलाएंगे चप्पू से। एक बार में 4 से 5 लोग आराम से बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा आपसे, अगर आपको बोट का मज़ा लेना है तो आप पैडल बोट लीजिए और आराम से लेक पे 1 घंटे तक एंजॉय कीजिए। वाला ये निचला एरिया है, इसको बोलते हैं तलीताल, और मुझे जाना है मल्लीताल में। मल्लीताल कैसे जाएंगे चलो मैं आपको बताता हूँ। मल्लीताल जाने के लिए आप इस रोड से पैदल भी जा सकते हैं घूमते हुए, वॉक करते हुए, या फिर आप यहाँ से रिक्शा स्टैंड से रिक्शा ले सकते हैं। ये देखिए ऐसे रिक्शे भी चलते हैं, बैटरी वाले ही रिक्शे भी चलते हैं। नंदा देवी महोत्सव मेला जो है वो फिनिश हो चुका है, झूले वूले सब उखड़ गए थे। 8 दिन हमने बहुत मज़े किए यहाँ पर और बहुत सारी पकौड़ियाँ खाई। भाई साहब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया तो मैंने सोचा अब कर लिया जाए। तो हाँ, बरेली से यहाँ तक पहुँचने में, यानी कि घर से यहाँ तक पहुँचने में मेरा 190 रुपये ख़त्म हुआ है और अगर 40 रुपये लस्सी भी जोड़ दी जाए तो 230 रुपये खर्च हुआ है। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर में क्योंकि मंदिर में हनुमान चालीसा स्टार्ट हो गया है, तो चलिए फटाफट हनुमान चालीसा करते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। कपड़ों के लिए काफ़ी फेमस मार्केट है ये भूटिया मार्केट, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। और साथ में जो नैनीताल के सबसे फेमस मोमोज हैं वो भी शॉप यहीं पर है जिसका नाम है सोनम मोमोज शॉप। तो यहाँ पर चाइनीज फूड भी आप खा सकते हैं। हनुमान चालीसा स्टार्ट हो गया है, नहीं हुआ है अभी, स्टार्ट नहीं हुआ, बस स्टार्ट होने वाला है, नहीं स्टार्ट हो गया है सॉरी। तो सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, हनुमान चालीसा स्टार्ट हो गया, हनुमान चालीसा करते हैं। प्रसाद ले लिया और प्रसाद का वितरण भी करवा दिया बहुत अच्छी तरीके से। और आरती अभी जो मेन आरती होती है मंदिर की वो भी नहीं हुई है, पर हनुमान आरती हो चुकी है
और हनुमान चालीसा भी हो चुका है। भीड़ काफ़ी कम हो चुकी है, ये तो बस 2-3% भीड़ रह गई है, बाकी हो चुका है। अभी आरती होगी मंदिर की तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सजा हुआ है हमारा मंदिर और अभी फिलहाल LED लाइटें बंद कर रखी हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। कोई सुझाव हो या सवाल तो कमेंट कीजिएगा। हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट।